बदन सिंह बद्दू के घर पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है, तुर्की कार्रवाई की गई है, क्या एक्शन लिया गया है, क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं? एक जनपद मेरठ का अपराधी है बदन सिंह बद्दू, जो कि फतेहगढ़ जेल में बंद था और फतेहगढ़ की पुलिस उसे गाजियाबाद न्यायालय में पेशी पर ले गई थी। इस दौरान वो पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था। वर्तमान में इस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है और ये फरार चल रहा है। उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के काफ़ी प्रयास किए, उसके बाद माननीय न्यायालय से 82 और 83 के तहत घर के कुर्की का आदेश प्राप्त किया गया और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार इसकी जो चल संपत्ति है वो सभी की आज कुर्की की जा रही है। सारे सामान की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। एक प्रति इनका जो व्यक्ति यहाँ पे है उसे भी सौंपा जाएगा और ये सारा सामान कुर्की के तहत पुलिस अपनी कस्टडी में ले रही है। क्या क्या चीज़ें मिली हैं अब तक, क्या क्या बरामद किया गया, क्या क्या जब्त किया गया? जैसा कि आप देख रहे हैं घर में काफ़ी चीज़ें हैं, फर्नीचर है, एसी है और काफ़ी चीज़ें जो कि यूज की होती हैं। 3 फ्लोर में इसका मकान बना हुआ है और ये जो मकान है इसमें भी अभी आसपास देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ जगह ऐसी भी है जो अवैध रूप से कब्जा की गई है। उन सब के संबंध में भी MDA और नगर निगम से बातचीत की जा रही है और उसके तहत भी अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बद्दू की किसके नाम था ये मकान? बदन सिंह बद्दू को ही नाम है। इसने 2005 में इस मकान को क्रय किया था, 2003 में इसने किसे क्रय किया था, जिस व्यक्ति से खरीदा था वो व्यक्ति भी इसके फरार होने में इसके साथ अभियुक्त है और उसे भी गिरफ्तार करके तत्कालीन समय में पुलिस ने जेल भेजा। बद्दू की सोशल नेटवर्किंग साइट में घर पर रह रहा था या कौन लोग थे जो परिजन उसके घर के लोग थे? यहाँ पे जब कुर्की कार्रवाई की गई, न्यायालय का आदेश उनको दिखाया गया और सारी बातें उनको बता दी गई। सोशल नेटवर्किंग साइट पे लगातार इसकी लोकेशन ट्रैक हो रही है, मतलब अपडेट हो रहे हैं उस पर, क्या कार्रवाई करी जा रही है, क्या निगरानी? लगातार तो नहीं अपडेट हो रहे हैं। फरवरी में एक मामला लास्ट में फरवरी 2020 में सामने आया था, उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो साइट पे किया गया है वो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है, क्योंकि वो बेसिकली नीदरलैंड और इंग्लैंड बेस पे किया गया था और जितनी भी हमारे यहाँ एयरपोर्ट और सभी जगह उसी समय सूचित कर दिया गया था कि पासपोर्ट लेके बाहर ना जा सके। पुलिस को गुमराह करने के लिए पोस्ट किए गए था? हाँ, इस संबंध में जांच चल रही है। इस संबंध में साइबर की टीम जो है वो सारे तथ्यों की जांच कर रही है। ये विवेचना कर रही है पुलिस, कई चार्जें निकल कर सामने आई है। जैसे जैसे चीजें होंगी आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। प्रॉपर्टी को भी जैसा मैंने आपको बताया विवेचना चल रही है और बहुत सारी चीजें सामने आई है, जैसे जैसे चीजें आएंगी हम आप लोग से बाद में। अचल संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा सकती है आगे? ठीक है, माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी होगा वो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अचल संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।